आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 का सुपर हिट मुकाबला सबसे बड़ा मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। सुपर 12 का यह महामुकाबला 23 अक्टूबर 2022 संडे को खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के स्टेडियम में। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से यानी कि 1:30 PM से स्टार्ट होने वाला है। जहां एक तरफ टीम इंडिया है जो अब तक क्रिकेट के इतिहास में मात्र एक ही बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत पाई है। साल 2007 में टीम इंडिया ने ट्रॉफी अपने नाम किया था, तब से टीम इंडिया दूसरी ट्रॉफी टी20 वर्ल्ड कप का नहीं जीत पाई है। भारतीय टीम इस साल रोहित शर्मा की कप्तानी में दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतना चाहेगी, खिताब अपने नाम करना चाहेगी। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम है, जहां पाकिस्तान की टीम भी अब तक टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ट्रॉफी मात्र एक ही साल जीत पाई है। साल 2009 टी20 वर्ल्ड कप का खिताब पाकिस्तान की टीम ने जीता था, तब से पाकिस्तान की टीम भी दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन नहीं बन पाई है। पाकिस्तान की टीम इस बार बाबर आजम की कप्तानी में इतिहास रचना चाहेगी, लेकिन उससे पहले इन दोनों ही टीमों को एक सबसे बड़े आजमाइश से गुजरना होगा, क्योंकि भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला हर हाल में जीतना होगा। तो आखिर इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए क्या होने वाली है इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही टीमों की कंफर्म प्लेइंग 11, वो कौन से 11 खिलाड़ी मैदान में उतरने वाले हैं, इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। जबकि इस मुकाबले की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, आखिर पिच कैसा रहने वाला, इस पिच का रिकॉर्ड क्या है, जबकि वेदर रिपोर्ट्स, बारिश होगी मैच के दौरान या फिर नहीं, मौसम कैसा रहने वाला है, जबकि इंजरी रिपोर्ट्स और स्टेट्स रिकॉर्ड्स के बारे में बात करने वाले, क्या आखिर किसका पलड़ा भारी है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, थ्रू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहे। तो बात करते हैं सबसे पहले दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच अब तक क्रिकेट के इतिहास में टोटल 11 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए, जिसमें से टीम इंडिया ने 8 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीते। तो वहीं पाकिस्तान को भारत के खिलाफ इन 11 मैचों में से मात्र 3 ही टी20 मुकाबलों में जीत मिली है। तो यहां पर पलड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय टीम का काफी भारी दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास के बारे में, तो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में अब तक इन दोनों टीमों के बीच टोटल 6 टी20 मुकाबले खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में, जिसमें भारतीय टीम ने 5 मुकाबले अपने नाम किए, 5 मैचेस टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को हराए, जबकि पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ मात्र एक ही मैच जीत पाई है 6 टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबलों में। जहां इन दोनों टीमों के बीच आखिरी मैच टी20 वर्ल्ड कप में खेला गया था साल 2021 में, जब पाकिस्तान की टीम ने भारत को 10 विकेट के बड़े अंतर से हरा दिया था। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो आखिरी मुकाबला खेला गया है वो एशिया कप 2022 में खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को मात दी थी। जहां इन दोनों टीमों के बीच पिछले जो 3 मुकाबले खेले गए हैं आपस में, पिछले 3 मुकाबलों में से टीम इंडिया को मात्र एक ही मैच में जीत मिली है, जबकि पाकिस्तान की टीम ने पिछले 3 में से 2 मैचेस भारत के खिलाफ जीते हैं। अब अगर हम बात करें इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच ये महामुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां इस मैदान पर अब तक क्रिकेट के इतिहास में टोटल 14 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए, जिसमें पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम को मात्र 5 ही मुकाबलों में जीत मिली है, यानी कि मात्र 5 मैचेस डिफेंड हुए इस मैदान पर। तो वहीं सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम यानी कि चेस करने वाली टीम ने 14 मुकाबलों में से 9 मुकाबले जीते। तो यहां पर चेस करने वाली टीम का रिकॉर्ड काफी बेहतर है, जहां ये पिच एक शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए ही मानी जाती है। अब इस मैदान का जो औसत स्कोर अब तक टी20 फॉर्मेट में वो है 141 रन, जहां इस मैदान का अब तक सबसे हाईएस्ट स्कोर है वो भारतीय टीम ने बनाया था 184 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि इस मैदान का सबसे लोवेस्ट, सबसे छोटा स्कोर भारतीय टीम के ही नाम है, जो कि 74 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई थी। अब अगर हम बात करें इंजरी रिपोर्ट्स के बारे में, तो पाकिस्तान की खेमे से बड़ी अपडेट्स ये है कि शान मसूद, उनके बेहतरीन टॉप ऑर्डर बैट्समैन, प्रैक्टिस के दौरान इंजर्ड हो गए थे, उनके सर में चोट लग गई थी। हालांकि उसके बाद इन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया था, जहां सिटी स्कैन में पाया गया कि शान मसूद नॉर्मल है, उनकी इंजरी ज्यादा सीरियस नहीं है। तो ये सभी फैंस के लिए गुड न्यूज है, खासतौर पर पाकिस्तानी फैंस के लिए। हालांकि शान मसूद के बैकअप के तौर पर टीम में ऑलरेडी फखर जमान जैसे शानदार जबरदस्त हिटर बल्लेबाज मौजूद हैं। अब चलिए बात करते हैं इस मुकाबले की वेदर रिपोर्ट्स के बारे में, कि आखिर मौसम कैसा रहने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया का वेदर रिपोर्ट्स काफी अच्छा नहीं है, वहां पर लगातार बारिश हो रही है। बात करें मेलबर्न की, जहां मुकाबला खेला जाएगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, तो मेलबर्न का वेदर लगातार बदलता जा रहा है। पहले बारिश होने के चांस 80-90% दिखाई दे रहे थे, उसके बाद घटकर 40% और 30% हो गए थे, बीच में दोबारा बढ़ गया था और अब दोबारा घट चुका है। फिलहाल 30% बारिश होने के चांस दिखाई दे रहे हैं इंडिया वर्सेस
पाकिस्तान मुकाबले में। तो वहां का मौसम का कुछ भी पता नहीं है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अब चलिए बात करते हैं इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 की। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप 2022 में सुपर 12 का ये महामुकाबला 23 अक्टूबर 2022 संडे को खेला जाएगा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के स्टेडियम में। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से यानी कि 1:30 PM से स्टार्ट होने वाला है और पाकिस्तान के समय के हिसाब से यह मैच दोपहर को 1 बजे से यानी कि 1 PM से शुरू होने वाला है। तो बात करते हैं इस महामुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11। पाकिस्तान के खिलाफ तो नंबर 1 पर हिटमैन यानी कि रोहित शर्मा कप्तान, नंबर 2 पर KL राहुल, ये दोनों ही बल्लेबाज करेंगे ओपनिंग के बल्लेबाजी, नंबर 3 पर किंग यानी कि विराट कोहली, नंबर 4 पर सूर्यकुमार यादव, नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 6 पर दिनेश कार्तिक विकेट कीपर बैट्समैन, जबकि नंबर 7 पर अक्षर पटेल या फिर रविचंद्रन अश्विन, नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, जबकि नंबर 9 पर मोहम्मद शमी जबरदस्त तेज गेंदबाज। बात करें नंबर 10 की तो नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह या फिर हर्षल पटेल, इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। वहीं इसके बाद नंबर 11 पर होंगे युजवेंद्र चहल बेहतरीन स्पिनर। तो यदि भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पाकिस्तान के खिलाफ इस महामुकाबले के लिए, जहां भारतीय प्लेइंग 11 में आप एक और चेंजेस कर सकते हैं कि आप रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल दोनों को ही खिला सकते हैं, ऐसे में आपको युजवेंद्र चहल को बाहर करना पड़ेगा। तो वहीं हर्षल पटेल और अर्शदीप सिंह इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा क्योंकि मोहम्मद शमी पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में खेलने वाले हैं। अब चलिए बात करते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के इस मुकाबले के लिए भारत के खिलाफ। तो पाकिस्तान की तरफ से नंबर 1 पर होंगे कप्तान बाबर आजम, नंबर 2 पर मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 3 पर शान मसूद या फिर फखर जमान, इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा, नंबर 4 पर इफ्तिखार अहमद, जबकि नंबर 5 पर हैदर अली, नंबर 6 पर आसिफ अली, नंबर 7 पर शादाब खान, जबकि नंबर 8 पर मोहम्मद नवाज, नंबर 9 पर होंगे शाहीन शाह आफरीदी, नंबर 10 पर नसीम शाह और नंबर 11 पर हारिस सौफ तेज गेंदबाज। तो यदि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 इस महामुकाबले के लिए भारत के खिलाफ है, जहां ये दोनों टीमों की वैसे तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है लेकिन लगभग 100% कंफर्म है कि इसी प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीम इस महामुकाबले में मैदान में उतरने वाली है। तो इसको लेकर आप क्या को सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके अनुसार कौन सी टीम स्ट्रांग है, कौन सी टीम वीक है और कौन सी टीम यह मुकाबला जीतकर अपने नाम करने वाली है, जीतेगी इंडिया या फिर जीतेगी पाकिस्तान की टीम।